यकीन नहीं हो रहा है मुझे कि ये मेरा बेटा और मेरी बहू है जिन्होंने इतनी गिरी हुई हरकत की है। अपने आप को बचाने के लिए तुम दोनों ने इंसाफ का गला घोंट दिया। और वीर, क्या कहा तुमने कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है? किस काम का है ये एहसास? क्या तुम्हारा ये एहसास उन गरीब बेचारों का घर वापस दिला सकता है, उनकी भूख उनकी प्यास मिटा सकता है? ये कोई मामूली गलती नहीं है, गुनाह किया है तुम दोनों ने। वो एक्सीडेंट भले एक गलती थी, लेकिन उसे छुपाने की कोशिश उससे बड़ा जुर्म था। और वो झूठे सबूत, तुम दोनों ने कानून को तोड़ा है। और ये सब करते हुए तुम दोनों को रत्ती भर शर्म नहीं? क्या यही संस्कार मिले तुम्हें इस घर से? मॉम, ये रियली सॉरी। हम दोनों जानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, गुनाह हुआ है, लेकिन प्लीज हम दोनों को माफ कर दीजिए। नहीं अमीषा, ना इंसाफी के लिए मेरे पास कोई माफी नहीं है। तुम दोनों को अपने किए की सजा मिलनी ही चाहिए। तुमने मुझसे माफी मांगी है वीर, लेकिन इसके लिए सिर्फ पश्चाताप नहीं, प्रायश्चित भी जरूरी है। उस हादसे में जितने भी लोग मारे गए या घायल हो गए, उन सब का मुआवजा तुम्हें देना होगा। और उनके फैमिली मेंबर्स और जितने भी बच्चे हैं, उन सब की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और जब तक तुम ये जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, तब तक मुझसे माफी की उम्मीद मत रखना। ठीक है मॉम, आप जैसा चाहती है वैसा ही होगा। हम वी प्रॉमिस। फिर तो आप मुझे माफ कर देंगी ना? ये तो वक्त ही बताएगा। देव, तुमने सच का साथ दिया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू बेटा। देव, आई एम सॉरी। मैंने तुम्हारा यकीन नहीं किया, तुम्हें गलत समझा, इसलिए। देव, हमने तुम्हें गलत समझा। वी आर रियली वेरी सॉरी। आप लोगों ने मुझे गलत समझा, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं। मेरे साथ तो अक्सर ऐसे होता है। And trust me, I don't care. I really don't care. अफसोस तो मुझे इस बात का है कि आप सबकी वजह से काजल अदालत में झूठी साबित। मैं नहीं जानता कि इस हादसे के बाद उसकी जिंदगी भी क्या चल। Anyways, excuse me. ये बहुत बड़ी भूल हो गई है हमसे। पता नहीं काजल पर क्या बीत रही होगी। हेलो, वो देखो आ गई झूठी। हाय विक्की। डिंपल, मेरी फाइल देना। गुड मॉर्निंग जेनी। गुड मॉर्निंग काजल। अरे हाँ, देव सर ने तुम्हें कैबिन में बुलाया है। हाय, आ गई वर्ल्ड की बिगेस्ट लायर। स्टॉप इट पेरिस। काजल ने जो कुछ भी किया है इंसाफ के लिए किया है, ये झूठी नहीं है। रहने दो जेनी, लोग चाहे मेरे बारे में कुछ भी कहें, मैं जानती हूँ मैं सही हूँ। अब मुझे लोगों की किसी भी बात की कोई परवाह नहीं है। गुड मॉर्निंग सर, आपने मुझे बुलाया? यस।
No, I just wanted to give you a good news. And the news is, वीर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। क्या? Yes. और तो भी मौत के सामने। You know, he said sorry to all of us. लेकिन मॉम कह रही हैं कि वो उसे तब तक माफ नहीं करेंगी जब तक वो उस हादसे के शिकार हुए लोगों को कॉम्पेंसेट नहीं करता, यानी उनकी फैमिलीज की पूरी तरीके से मदद नहीं करता। Then he said yes. कैसे भी मिला, लेकिन मुझे लगता है हमें न्याय तो मिलेगा। Thank God. कम से कम अब तो आपके घर वालों को यकीन आ गया कि मैं सही थी। मैंने झूठ नहीं बोला था। उससे फर्क क्या पड़ता है काजल? क्योंकि मेरा यकीन हमेशा तुम्हारे साथ था। अगर वीर ना भी कन्फेस करता तब भी मेरा विश्वास तुम पे ही कायम रहता। और तुम जानती हो कि जो भी होता है, कुछ भी होता है, मैं हमेशा तुम एक्चुअली मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मैं शाम को एक म्यूजिक लॉन्च की पार्टी में जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम ही मेरे साथ चलो। देव सर, मुझे अपने साथ पार्टी में ले जाएंगे? इसका मतलब देव मुझे डेट पर ले जाना चाहते हैं? Oh my God, I can't believe this. Kaajal, हमें 6 बजे निकलना होगा. You think you can make it? Yes, of course, sir. Good. मैं जाऊँ? Of course, yeah. इसे अचानक क्या हो गया? इतनी खुश नजर आ रही, कहीं फिर से वही गलतफहमी तो नहीं? ओह नो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता जिससे काजल मुझसे कोई भी गलत उम्मीद रखे। काश ऑफिस में कोई और अवेलेबल होता मेरे साथ चलने के लिए। करने का मन ही नहीं हो रहा है। क्या करूं गन्नू भैया, वक्त ही नहीं गुजर रहा। पता है, आज पहली बार मैं बहुत खुश हूं। पहली बार आज देव सर मुझे अपने साथ पार्टी में लेकर जा रहे हैं। संदीप, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। आज ही क्यों मुझे ये पुरानी सी ड्रेस पहननी थी, अब मैं क्या करूं? आइडिया, हॉटी को फोन करके अपने लिए कोई अच्छी सी ड्रेस मंगवाती हूं। थैंक यू। जी हाँ, मैं कर दूंगा। राइट सर। It's time to go.
मेहनत से मैं तैयार हुई और उन्होंने मुझसे कुछ कहा तक नहीं। काजल चले। काजल तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। ओके म्यूजिक लॉन्च है, काफी इम्पोर्टेंट इवेंट लगता है और देव सर मुझे यहाँ अपने अपनी दोस्त की हैसियत से लेके आए हैं। ओह गॉड, काजल 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 काजल, तुम्हारी नोटबुक का पेन कहाँ? तुम नोट कैसे बनाओगे? लगता है तुमने वो फाइल ठीक से पढ़ी नहीं थी। मैं चाहता था तुम मुझसे बजाज का इंटरव्यू लियो तुम, वरना मुझे तुम्हारी इस पार्टी में कोई जरूरत नहीं थी। सॉरी सर, पर इसका मतलब देव सर मुझे ऑफिस के काम के लिए लेकर आए थे यहाँ और मैंने सोचा था। ओह नो काजल, अब तक सो रही है? उठ ना काजल। अरे उठ काजल, उठ ना। क्या है होती, सोने देना। कल रात को तू कब धीरे से आई और कब चुपके से सो गई, कुछ पता ही नहीं चला। बता ना, तेरी कल देव सर के साथ डेट कैसी थी? बोल बोल। अरे उठ ना। तू हो हॉटी, तू भी ना। अब बता कैसी थी तेरी देव सर के साथ पहली डेट? इतनी ढेर सारी बातें हुई होंगी ना, रोमांटिक बातें, डांस वांस भी किया होगा। पता ना क्या हुआ? काहे की डेट वेट, एक मीटिंग थी, मुझे वहां जाकर किसी का इंटरव्यू लेना था, दैट्स इट। इसीलिए मुझे साथ ले गए थे। मैं तो बेवकूफ बन गई ना उनके सामने। मैं तुझे बता नहीं सकती मेरा क्या हाल हुआ वहां पर, क्या सोचकर गई थी और अचानक से ये इंटरव्यू की बात। ये आजकल के लड़के भी ना, अरे पहले से ही साफ साफ बता दिया होता कि मीटिंग थी तो कम से कम मैं गलत तो नहीं समझती ना। वो तो है काजल, लोग आजकल प्यार और जज्बातों को ऑफिस की चीजों के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देव सर भी ऐसे हैं। शायद हॉटी ठीक कह रही है, और वैसे भी देव का अंदाज तो कुछ अलग ही है। I'm right, काजल? देव सर ऐसे ही है ना? ए, पागल मत बन। मेरे और देव सर के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है तो मतलब हो सकता है, राइट? नो, आगे चलकर भी ऐसा कुछ नहीं होगा। और तू चिंता मत कर, जब मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल जाएगा ना, तब मैं तुझे बता दूंगी, ओके? मतलब अभी तक तुमको तुम्हारे सपनों का राजकुमार मिला ही नहीं। ऐसा मैंने कब कहा?
आता तो है रोज वो मेरे सपनों में। तो फिर वो कैसा दिखता है? इतनी तेजी से आता है कि उसकी शक्ल भी नहीं पहचान पाती, बस मेरे होश उड़ा के ले जाता है। लेकिन फिर भी कुछ तो आइडिया होगा ना तुम्हें कि वो हकीकत में कब आएगा, कहाँ से आएगा? मेरे सपनों का राजकुमार, दिलों को धड़काते हुए, मौसम को महकाते हुए, खुशियों को बरसाते हुए, तेज रफ्तार, बस आता ही होगा। कोई उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, सबको मात देकर हर बाजी जीत लेगा वो। तूने तो पहले की तरह आज भी हमारी छुट्टी कर दी। You haven't lost touch at all? Of course, yeah. मैं लंदन में रहूं, या पेरिस में, या फिर इंडिया में, वॉटर स्पोर्ट्स के लिए मेरा पैशन कभी कम नहीं होता। और हाँ, जो चीज ध्रुव पसंद आती है ना, वो चीज हमेशा के लिए उसकी होकर रहती है, हमेशा के लिए।